फ्रेंड्स, मैं हूँ मीना। वेलकम टू यमी ट्रीट्स विद मीना। आज हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही रिच और बहुत ही न्यूट्रिशियस डो। जी हाँ, आज मैं आपको बीट रूट से बनने वाला एक डो बनाना सिखाने वाली हूँ, जो बहुत ही हेल्दी है और आप उसको बहुत सारी चीज़ें उससे बना सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज यमी ट्रीट्स विद मीना को भी ज़रूर फॉलो करें। तो इसके लिए देखिए, मैंने यहाँ पर दो बीट रूट लिए हैं जिनको मैंने छीलकर काटकर थोड़ा सा पानी डाला है, इसमें लगभग आधा कप, और मैं इसको दो विसल लगवाऊंगी और दो विसल के बाद हम इसकी सीटी निकाल देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। हमें इसको कम्प्लीटली ठंडा होने देना है और उसके बाद ही हमें नेक्स्ट प्रोसेस करना है। ये देखिए, काफ़ी अच्छे से ये हो गया है। ये बहुत ज़्यादा मैशी नहीं हो जाएगा, सिर्फ थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा, हमें इसी तरह का चाहिए। जैसे ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो हम इसको मिक्सी के अंदर डालेंगे और इसका प्यूरी बनाएंगे। मैं यहाँ पर थोड़ा सा ही ठंडा होने पर डाल रही हूँ, पर आप पूरा ठंडा कर कर ही इसका प्यूरी बनाएं, नहीं तो मिक्सी जो है वो फट सकती है। तो देखिए, अब मैं इसका प्यूरी बना लूँगी। एकदम हमें पतला सा प्यूरी बनाना है, इसका पानी भी इसके अंदर ही डाल देना है। तो देखिए, इस तरह से हमारा प्यूरी बन गया है। कितना अच्छा बना है, बिल्कुल भी दानेदार नहीं है। और जो थोड़ा सा मैंने उसके अंदर पानी डालकर इस तरह से बीटरूट का पानी भी बना लिया था। तो यहाँ पर हम दो कप जो है वो आटा लेंगे। ये गेहूं का आटा है जिससे हम नॉर्मल रोटी बनाते हैं। अब देखिए, इसके अंदर हम बीटरूट की प्यूरी डालेंगे, उसका पल्प जो है हम डालेंगे, लगभग 3-4 चम्मच डालेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। सारे आटे में अच्छी तरह मिक्स कर लें। आपने शुरू में बिल्कुल भी पानी नहीं डालना है, नहीं तो इसका कलर बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा और बच्चे बिल्कुल नहीं खाएंगे। तो देखिए, इस तरह से हम और प्यूरी थोड़ा थोड़ा करके हम डालते रहेंगे। हमें मीडियम कंसिस्टेंसी का आटा गूंदना है, तो हम थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से प्यूरी डाल लेंगे। और जब हमें लगेगा कि हमारा आटा थोड़ा सा बंध गया है और थोड़ा सा हार्ड लग रहा है, तो आप इसके अंदर जो हमने बीट रूट का पानी जो हमने बनाया था वो मैं 1-2 चम्मच डालेंगे, हम बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। और इस तरह से हम उसको थोड़ा सा सॉफ्ट बना सकते हैं। तो देखिए, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आप थोड़ा सा लाइट कलर चाहते हैं तो आप उसको थोड़ा सा कम इस्तेमाल करें। ये देखिए, हमारा प्यूरी और पानी जो है थोड़ा सा बच गया है, इसको नेक्स्ट टाइम आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, हमारा बहुत ही अच्छा मीडियम कंसिस्टेंसी का आटा बन के तैयार हो गया है। आप इसको थोड़ी देर रख सकते हैं और फिर बाद में नीड करें तो ये काफ़ी अच्छा सॉफ्ट और इसमें ग्लूटेन फॉर्म हो जाएगा। तो आप इससे कुछ भी बना सकते हैं, पराठा बना सकते हैं, पूड़ी बना सकते हैं, रोटी बना सकते हैं। आप इसको अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें, ये बहुत ही हेल्दी है। बच्चों के लिए तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है बीट रूट खिलाने का। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और नीचे हुए बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएँ। तो अगली बार हम आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।